टॉप बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 35,000। तो भाई अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आपका बजट 35,000 इस बजट रेंज की बात करेंगे तो ज्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूं। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है नॉन चाइनीज स्मार्टफोन। मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी A52 की। तो अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले इसका लुक एंड इसका डिज़ाइन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है एंड इसके कलर वगैरह भी बहुत ही प्यारे देखने को मिलते हैं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाता है, प्लस इसके डिस्प्ले क्वालिटी भी अपर मिल जाती है। तो सैमसंग के फ़ोन्स की खासियत होती है इनकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाता है एंड इनका जो प्राइवेसी सिस्टम होता है एप्पल्स के स्मार्टफोन्स का एंड सैमसंग के स्मार्टफोन्स का वो बहुत ही ज़्यादा सही होता है। अगर आप अपनी प्राइवेसी में कोई भी फोटोज़ वीडियो रखना चाहते हो आप नॉर्मली ईजिली रख सकते हो। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, जो कि आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा। 3 वेट में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, 6GB एंड 8GB रैम के साथ देखने को मिलेगा एंड जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है। क्वाड कैमरा के साथ देखने को मिलता है जो कि 64 मेगापिक्सल के साथ आएगा। 4K वीडियो शूट कर सकते हो आप 30fps पर। 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाएगी, सेल्फी में भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30fps पर, ठीक है। आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 25 वॉट का आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा, प्लस IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग देखने को मिल जाती है। मतलब आपका जो स्मार्टफोन होगा वो वाटरप्रूफ होगा, आप 1 मीटर तक इसको पानी में डिप करके रख सकते हो, आधे घंटे तक आपका फ़ोन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, सैमसंग गैलेक्सी A52 के फ़ोन नया लॉन्च हुआ है, प्लस बहुत ही ज़्यादा सही है। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिल जाता है। अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपको गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, अच्छा डिज़ाइन चाहिए, अच्छे कलर चाहिए, मतलब अगर आपको एक फुल लोडेड लाइक स्मार्टफोन चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी A52 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था एक बार आप चेकआउट कर लेना, लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड किया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो एक बार आप चेकआउट जरूर करना सैमसंग गैलेक्सी A52 को। अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं आगे मतलब नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पर यार मैंने रखा है रियलमी X50 प्रो को। तो सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसको नंबर फोर पर रखने का सिर्फ ये रीज़न देखने को मिलता है कि इसका जो डिज़ाइन है, जिसके जो कलर्स हैं यो वो आपको इतने ऊपर नहीं देखने को मिलते, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर फोर पर रखा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो यार ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये 4 वेरिएंट में देखने को मिलता है, जो 6GB वेरिएंट है वो आपको 35,000 के बजट तक देखने को मिल जाता है, 2 कलर्स में देखने को मिलता है। अगर आपको ये कलर पसंद आते हैं तो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है भाई। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। आपको डुअल सेल्फी देखने को मिल जाती है, 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। लेकिन आपको सेल्फी में 4K ऑप्शन नहीं मिलता, आपको 1080p ही देखने को मिलता है। आपको 4200mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 64W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। प्राइस मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो 6GB वेरिएंट है वो यार आपको 35,000 के बजट में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। अगर आपने 12GB तक भी जाना है तो भी आप जा सकते हो, लेकिन उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया आपको रियलमी X50 प्रो के। तो भाई अगर आप रियलमी लवर हो आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो जाएगा। अगर आपका बजट 35,000 है, 35,000 पहले बोलने लगा था, अगर आपका बजट 35,000 है तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है रियलमी X50 प्रो, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूं। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है iPhone SE को। तो सबसे पहले मैं बता दूं भी अगर आपका बजट 35,000 है, 35,000 के बजट रेंज में आपको 128GB स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आप एप्पल लवर हो तो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस स्मार्टफोन में एक माइनस पॉइंट देखने को मिलता है। माइनस पॉइंट सिर्फ इसकी बैटरी है। तो भाई अगर आप गेमिंग करोगे या
मल्टीटास्किंग करोगे, या अगर आप वीडियो शूट करते हो, फोटो शूट करते हो, तो इसकी जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी कम हो जाती है, लेकिन इसका प्रोसेसर तगड़ा है, जो कि आपको A32 चिपसेट के साथ देखने को मिलता है। तो भाई अगर आपने गेमिंग करनी है, आप इजीली नॉबली कर सकते हो। आपको IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है, तो वाटर प्रूफ स्मार्टफोन अगर पानी वगैरह गिर भी जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम इशू आपको नहीं आने वाला। ये 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 3GB रैम के साथ देखने को मिलता है, एंड इसके स्टोरेज वेरिएंट आपको 3 देखने को मिलते हैं, 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज। मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आपने iPhone SE की ओर जाना है, आपने मिनिमम 128GB स्टोरेज की ओर जाना ही जाना है, ठीक है, जो कि आपके लॉन्ग टाइम पीरियड काम आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैं आपको कह रहा हूँ। तो आगे बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको iPhone SE के बारे में तो बता दिया, आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ। नंबर टू पर यार मैंने रखा है MI 10T को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। ये 2 कलर्स में देखने को मिलता है, दोनों कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। दोनों में से जो भी आप लेना चाहते हो भाई आप ले सकते हो। मैं आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि आप ब्लैक कलर में ले लो या सिल्वर कलर में ले लो, दोनों कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। ये 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 6GB रैम के साथ एंड 8GB रैम के साथ। आपको प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ भेजता है। तो भाई अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। प्रिटी जस्टों की बातों को एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करूं, इसमें आपको एमुलेट डिस्प्ले तो नहीं मिलती, लेकिन इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी तगड़ा होने वाला है, एंड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाती है। ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, जिस पर आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो। आपको 20 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको सेल्फी में 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। अभी बात करते हैं बैटरी की, तो आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 33W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं प्राइस रेंज की, तो प्राइस की बात करूँ आपको 30,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है MI 10T। तो आप अगर इस स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, बिकॉज आपको पूरा लोडेड मिल जाता है। मतलब अगर आपने गेमिंग भी करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, स्लिम एंड स्टाइलिश डिजाइन चाहिए, कलर वगैरह भी अगर आपको मैटर करते हैं, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है MI 10T। आप जा सकते हो इस स्मार्टफोन की ओर अगर आप MI लवर हो। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ पर यार मैंने रखा IQ 003 को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 6GB रैम के साथ, 8GB रैम के साथ एंड 12GB रैम के साथ। जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। जो स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिलेगा, एंड इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं, लेकिन ऑरेंज कलर में ये ज़्यादा सूट करता है। तो भाई अगर आपको एक लाइट स्लिम या फोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिए IQ 003 के। तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 5 स्मार्टफोन बता दिए, जो कि आप 35,000 के बजट रेंज में ले सकते हो। अभी बात करते हैं इनमें से कौन सा लेना चाहिए। तो भाई अगर मैं आपकी जगह होता मैं जाता सैमसंग गैलेक्सी A52 की ओर। सबसे पहले वो नया लॉन्च हुआ, उसके कलर, उसका डिज़ाइन, लुक वगैरह बहुत प्यारा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती है, प्लस भाई जो प्राइवेसी सिस्टम होता है ना सैमसंग के फोन का वो बहुत ही ज़्यादा अपर होता है, एंड आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यार 30-35,000 के बजट रेंज में आपको वाटरप्रूफ स्मार्टफोन मिल जाना, वो भी सैमसंग की ओर से नॉन चाइनीज स्मार्टफोन मिल जाना, वो सच में एक चीज़ मैटर करती है। तो अगर आपने जाना है सैमसंग गैलेक्सी A52 की ओर आप जा सकते हो, लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड किया। लेकिन अगर आपने IQ 003 की ओर जाना है बहुत तगड़ा है। अगर आपने MI 10T की ओर जाना है वो स्मार्टफोन भी मतलब कलर लुक डिज़ाइन वाइज भी वो बहुत ही ज़्यादा सही है। तो आप देख लेना, जो भी आपको सही लगता है आप ले सकते हो। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता मैं जाता सैमसंग गैलेक्सी A52 की ओर। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों की भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। यार बॉक्स में से वीडियोज वगैरह फोटोज वगैरह करता हूँ, तो चालू कर लेना, फॉलो वगैरह करना चाहते तो कर सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू।